भीड़ में कुछ गलत हो रहा था और इस मिशन के लिए मैं तैयार था। फाइनल डेस्टिनेशन वाली ट्रक को पीछे छोड़कर मैं आगे बढ़ चुका था। मुझे कुछ सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दी, तभी एक खूंखार आवाज सुनकर मैं चौंक गया। खतरनाक जंगली जानवरों का झुंड मेरी तरफ हमला करने की तैयारी कर रहा। अपनी जान की बाजी लगाकर उस वैश्विक दरिंदे को मैंने अपने काबू में कर लिया, जिसे बाकी दरिंदों के हौसले टूट गए और भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप बैठ गए। तुरंत माफी मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, बोले आज सामना मर्द से हुआ। वीर मैं इस बार सर्दी कुछ ज्यादा ही, हमेशा धोती पहनने वाले डांडी जी को भी इस बार मफलर पहनना पड़ा। क्या इंसान क्या जानवर, सब एक दूसरे के साथ जिस्म की गर्मी ले रहे थे। साथ ही साथ अपनी मार्केटिंग का कोई मौका मैं नहीं छोड़ता था। एक गेंद नुमा फल खाने की कोशिश की, पर लोगों ने मना कर दिया, बोले इसे बावली गेंद कहते हैं। तो मैं अपना सा मुंह लेकर नूडल्स खाने लगा। रात के गहरा तही काली शक्तियां अपना रूप दिखाना चालू कर देती। जमीन पर उलट जाने के बाद जैसे तेल चट्टा सीधा नहीं हो पाता और फड़फड़ाता है, वैसे यहाँ के नौजवान भी फड़फड़ा रहे थे। क्या लेडीज क्या जेंट्स, अजनबी लोग एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे और भारतीय कल्चर का पतन होते हुए मैं देख रहा था। मुझे बुरा इस चीज का लगा कि ये लोग मुझे डांस के लिए क्यों नहीं बुला रहे। मेरे अंदर प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। अपने गुरु अनु मलिक को याद करते हुए आग लगा दी आग और निकल गया वहां से। गोवा में पैरा सेलिंग करते हुए जिन लोगों की रस्सियां टूट जाती थी वो यहीं आकर भीड़ में गिरते। पैरा ग्लाइडिंग में यहां सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम था। सबको हेलमेट दिया जाता था ताकि कल को कुछ हो जाए तो बॉडी पहचान में आ सके। और आखिरकार इंसान भले चला जाए लेकिन उसके निशान पीछे रह जाते।